हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। एकेटीयू संबंधित दो सूचनाएं हैं यहाँ पर। पहली सूचना तो ये है कि आज से यूनिवर्सिटी जो है वो ओपन हो चुकी है और ऑनलाइन क्लासेस भी आपकी चलेंगी। तो अगर आपको एकेटीयू यूनिवर्सिटी में कोई काम है तो वहाँ जाके आप करा सकते हैं, और आपके रिजल्ट पर भी अब वर्क होगा। तो 15 जून के बाद आपके रिजल्ट आने के चांसेस है, क्योंकि इस तरह से अगर कर्मचारी आते रहेंगे तो काम जरूर रिजल्ट पे होगा, जो रिजल्ट ऑलरेडी जो है वो लेट हो चुका है। तो आइए पूरी सूचना जानते हैं। रोस्टर के हिसाब से बुलाए जाएंगे कर्मचारी। एकेटीयू में बृहस्पतिवार से 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुल जाएगा। विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी आशीष मिश्रा ने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस शिक्षकों द्वारा घर से संचालित की जाएगी, जबकि विश्वविद्यालय का प्रशासनिक कार्यालय खुला रहेगा। अधिकारी मौजूद रहेंगे और कर्मचारी की 50% तक उपस्थिति रहेगी। रोस्टर के अनुसार कर्मचारी बुलाए जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी जो ओपन हो चुकी है, ऑनलाइन क्लासेस भी आज से स्टार्ट हो रही हैं, आपके रिजल्ट्स पे भी वर्क होगा। और अगर किसी को यूनिवर्सिटी में जाकर के काम कराना है तो वो एकेटीयू में जाकर के अपने जो आपके डॉक्यूमेंट संबंधित वर्क को करा सकता है। आइए अब एकेटीयू की दूसरी न्यूज की तरफ चलते हैं, जहाँ पर पेपर पैटर्न को लेकर के बात कही गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ, अंतिम वर्ष के छात्रों की वैकल्पिक परीक्षा संभव। मैं एक इसकी समरी बता दूं। लास्ट टाइम ये हुआ था कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे उनका एग्जाम जो था वो MCQ बेस्ड था, मल्टीपल चॉइस बेस्ड था, लेकिन हर एक सब्जेक्ट का जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाए गए थे, पेपर पैटर्न बनाए गए थे। इस बार ऐसा नहीं होना है। इस बार जैसे हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में एक पेपर बनता है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रीजनिंग, मैथ सब कुछ आता है, उसी तरह इस बार यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का केवल एक ही पेपर बनेगा। COVID-19 की सेकेंड वेव को देखते हुए यूनिवर्सिटी यही चाहेगी कि कम से कम टाइम के लिए स्टूडेंट्स को बुलाया जाए और वर्क करा लिया जाए। तो इस बार का पेपर पैटर्न थोड़ा टफ होने वाला, अगर इस तरह ये जो परीक्षा पेपर पैटर्न लागू हुआ, क्योंकि 3 कुलपति की जो है उनमें एक AKTU के माननीय विजय पाठक जी भी हैं, तो AKTU में भी यही परीक्षा पैटर्न लागू होने के ज्यादा चांसेस हैं। मान लीजिए आप फिजिक्स और केमिस्ट्री एक में पढ़ते हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक कॉमन पेपर बनेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हो सकता है AKTU कुछ सिलेबस को कम कर दे, लेकिन अगर सिलेबस भी वही रहा और एक पेपर बना तो स्टूडेंट्स के लिए काफी टफ हो जाएगा, क्योंकि इतना लंबा सिलेबस को कवर करना और एक ही दिन जाकर के पेपर देना ये बहुत टफ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बात है, इसमें कहा गया है कि शासन ने UGPG के छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट करने के लिए 3 कुलपतियों की एक समिति बनाई है। समिति प्रमोशन के संबंध में मानक तैयार कर रही है। समिति इस पर विचार कर रही है, अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा कराई जाए। परीक्षा सभी विषयों की अलग अलग नहीं होगी, देखिए मैंने ब्लॉग बना रखा हुआ, बल्कि सभी विषयों का पाठ्यक्रम का एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। उसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इससे छात्रों का मूल्यांकन भी हो जाएगा और छात्रों को डिग्री भी प्रदान की जाएगी। कोरोना की वजह से पिछले वर्ष मुख्य परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका था, छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जा रहा था। इस बार भी प्रमोशन होगा, प्रमोशन के बहुत चांसेस आप लोगों के। आगे इसमें लिखा हुआ, इस समिति को एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया था, 7 दिन का टाइम है, आपको इस वीक प्रमोशन के बारे में कोई ना कोई सूचना जरूर मिलेगी। शासन के निर्देश पर कुलपति ने विश्वविद्यालय स्तर पर समिति के साथ वर्चुअल बैठक की, मानक तैयार हो रहे हैं। अभी तक समिति ने विचार किया कि प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा और अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा कराई जाएगी। कोरोना की स्थिति को देखते सभी विषयों की परीक्षा नहीं हो सकती, तो कम से कम प्रतियोगी परीक्षा की तरह वैकल्पिक प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। जल्द ही तीनों कुलपति शासन को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे और फैसला लेंगे कि छात्रों की परीक्षा कराई जाए या फिर उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए। तो फाइनली न्यूज ये है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन अभी कोई सर्कुलर नहीं आया है, ये एक न्यूज़पेपर की न्यूज है। जब तक सर्कुलर ना आ जाए तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जब एक जो है गवर्नमेंट की तरफ से सर्कुलर आ जाएगा, उसके बाद प्रमोशन फाइनल हो जाएगा, फिर यूनिवर्सिटी से प्रमोशन के लेटर्स निकलने चालू, नोटिस निकलने चालू हो जाएंगे कि किस ईयर को प्रमोट किया जा रहा है और किस ईयर के एग्जाम लिए जाएंगे। उसके बाद ही आप अपनी पढ़ाई को बंद करिएगा। अतः अपनी पढ़ाई को आप लोग जारी रखिएगा। फाइनल ईयर का MCQ बेस्ड पेपर होगा और पेपर जो है वो एक ही बनेगा, अलग अलग विषयों के अलग अलग MCQ बेस्ड पेपर बनने कम है, चांसेस कम है। तो यही लेटेस्ट अपडेट थी, और अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।